राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में अब तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। कई राज्यों में तो सुबह सुबह घना कोहरा छाने लगा। इस बीच मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत सहित देश भर में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग की माने तो आज यानी शनिवार 9 दिसंबर को बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, झारखंड और तेलंगाना में हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 24 डिग्री तो न्यूनतम तापमान आज 9 डिग्री रहने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि राजधानी में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज राजधानी में दिन के समय आसमान साफ रहेगा, तो वहीं दिल्ली के AQI की अगर बात की जाए तो वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में नजर आई। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा माना जाता है, 51 और 100 के बीच AQI को संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बेहद खराब, तो वहीं 401 और 500 के बीच गंभीर श्रेणी में से माना जाता है। अगले 24 घंटे में अगर होने वाली बारिश की बात की जाए तो मौसम विभाग के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा, यूपी में शनिवार को घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मौसम विभाग ने दक्षिण भारत में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा बिहार में 10 दिसंबर तक और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में 9 से 11 दिसंबर तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। तो वहीं अगले 24 घंटों में असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर कोहरे की संभावना है। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दरअसल पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से लगातार ठंड बढ़ने के आसार भी नजर आ रहे हैं। राजधानी यूपी, बिहार समेत तमाम राज्यों में पारा गिर गया है, तो वहीं अब घना कोहरा रहने वाला है ये कहा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में AQI की गुणवत्ता खराब की वजह से लोगों को पहले से ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी दिल्ली वासियों को और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।